खबर आपको दें कि अमरीका ने रिजवान सईद शेखी बतौर पाकिस्तानी सफीर तकरीरी की दस्तावेज की मंजूरी दे दी है। सिफारती जराए के मुताबिक रिजवान सईद शेख रबाबा के आखिर तक अमरीका में पाकिस्तानी सफीर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से कि अमरीका ने रिजवान सईद शेख के बतौर पाकिस्तानी सफीर तकरीरी की दस्तावेज की मंजूरी दे दी है। सिफारती जराए के मुताबिक रिजवान सईद शेख रबाबा के आखिर तक अमरीका में पाकिस्तानी सफीर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। तफसील जानते हैं, डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला मोहम्मद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सफारती ज़राए से डॉन न्यूज़ को भी तस्दीक हुई है कि अमरीका के लिए नामजद पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का एग्रीमा मौसूल हो गया है। अमरीका ने रिजवान सईद शेख का एग्रीमा की मंजूरी दे दी है। सफारती ज़राए ने तस्दीक की कि रिजवान सईद शेख अवामा के आखिर तक अमरीका में बतौर सफीर नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। सफारती महाज पर आने वाले दिनों में मजीद तब्दीलियों का भी इम्कान है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर की बतौर पाकिस्तानी सफीर मुत्तहिदा अरब अमारात भी मंजूरी दे दी है। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर साबिक कोर कमांडर गुजरावाला और सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड में सफीर आमिर शौकत को मिस्र में बतौर सफीर तैनात किए जाने का भी इम्कान है। जी तफसील हमें अपडेट करते हैं। अब्दुल्ला मोहम्मद, आपका बहुत शुक्रिया।